दिव्यांकर, पहले तो ये बताइए कौन से इलाके में आप मौजूद हैं और वहां पर क्या हालात है बारिश के बाद? बिल्कुल, देखिए मैं फिलहाल गुरुग्राम में मौजूद हूँ। लगातार बारिश हो रही है, बारिश के चलते क्या कुछ भीषण स्थिति यहाँ पर हो गई है सड़कों की, वो हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर सड़कों के किनारे जो ये लेन है यहाँ पर कितना ज्यादा पानी भर गया है। और इसके अलावा जो ये सामने आपको तस्वीरों में फैक्ट्री नजर आएगी और इसके अंदर भी पानी जो है वो भी चला गया है। तो बारिश बीती रात से ही काफी ज्यादा हो रही है, जिसका प्रभाव सीधा सीधा असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है गुरुग्राम में। सामने आपको एक गाड़ी नजर आएगी पूरी तरह से, उसके जो टायर है वो पूरी तरह से यहाँ पर डूबे हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरह की परेशानियां जो है वो यहाँ पर गुरुग्राम में देखने को मिल रही है। तो और इसके अलावा अगर ट्रैफिक की बात करें तो ट्रैफिक भी यहाँ पर काफी ज्यादा स्लो चल रहा है, क्योंकि ये लेन में जब सर्विस लेन में पानी भर गया और पानी जो सड़कों पर हाईवे पर भी आ गया है, तो इस तरह की जो तमाम परेशानियां वो यहाँ पर हो रही है। आपको बता दें कि बीते 21 जून को जब योग दिवस वाले दिन भी बारिश यहां पर हुई थी, तब हाई लेवल की जो मीटिंग है उच्च अधिकारियों की वो भी हुई थी, जीएमटीए गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी की उनकी मीटिंग भी हुई थी कि इस तरह की जो परेशानियां हैं, तमाम जो परेशानियां आती है जैसे ही बारिश होती है, तो लोग उससे परेशान ना हो, लोग उस परेशानी से जूझते हुए नजर नहीं आए, जिसके चलते वो हाई लेवल बैठक भी हुई थी। लेकिन उस सबके बावजूद क्या कुछ तस्वीरें हैं यहाँ पर वो साफ तौर से आपको नजर आएंगी, किस तरह से एक बाइक सवार आदमी वो भी इस भरी हुई सर्विस लेन में जो पानी भरा हुआ उससे निकलता हुआ साफ तौर से नजर आएगा। इसके अलावा गाड़ियां भी इसी तरह से नजर आएंगी। इसके अलावा अगर हम दूसरे तरफ की तस्वीरें दिखाना चाहें तो उसको भी एक बार हम अपने कैमरा पर्सन मोहित कासले, आधी गाड़ियां डूबी हुई नजर आ रही है। दिव्यांकर, आप तस्वीरें हमें आगे दिखाते रहिएगा, आप बने रहिए हमारे साथ। आजादिका हमारे साथ जुड़ी हुई है नोएडा से। आजादिका, नोएडा के किस इलाके में इस वक्त आप मौजूद हैं और क्या दिल्ली, गुरुग्राम और महाराष्ट्र से जो तस्वीरें आ रही क्या वैसी नोएडा में भी है क्या? जी बिल्कुल, हम आपको तस्वीरें इस वक्त दिखा रहे हैं एक्सप्रेस यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास की। लेकिन आपको बता दें स्थिति फिलहाल सामान्य है, रात भर बारिश हुई है दिल्ली एनसीआर में, उसका असर हमें नोएडा में भी देखने को मिला था, जैसे कि तस्वीरें हमने सुबह भी दिखाई। कई सारे ऐसे इलाके थे जो जलमग्न थे, जहाँ पर जल भराव की स्थिति देखने को मिली। हालांकि आप फिलहाल तस्वीरें मेरे पीछे देखेंगी, यहाँ पर वैसी तस्वीरें नहीं है, सामान्य हो गई हैं। लेकिन जैसे कि मौसम विभाग ने भी जाहिर कर दिया है कि आगे आने वाले 6 दिनों तक, करीबन 1 सप्ताह तक इसी तरह से बारिश बनी रहेगी दिल्ली के अलग अलग इलाकों में। तो कहीं ना कहीं तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो दावे किए जा रहे थे वो कहीं ना कहीं फेल साबित हो रहे हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहु, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।